नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जबरदस्त चॉकलेट टफल केक विदाउट ओवन, विदाउट एग एंड विदाउट कर्ड देखिएगा। बहुत ही स्पॉन्जी, टेस्टी, चॉकलेटी, वेरी हेल्दी। कैसे बनाते हैं चलिए सीखेंगे। देख लेना कितना स्पॉन्जी एंड वेरी टेस्टी। माउथ वाटरिंग है, तो पहले तो सीखना बनता है इसे कैसे बनाते हैं। 150 ग्राम्स मैदा, कोको पाउडर 50 ग्राम्स, बेकिंग सोडा चाहिए इसको हम लोग को, हाफ अ स्पून बेकिंग सोडा और 1 स्पून बेकिंग पाउडर। इसके लिए चाहिए फ्रेश क्रीम, मैंने घर पे ही बनाया, आपको तो पता है कैसे बनाती हूँ फ्रेश क्रीम। और थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क चाहिए इसे, 6 स्पून ऑफ कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी इसमें, और 110 ml मिल्क, एक बड़ा सा चॉकलेट, डार्क चॉकलेट लीजिए बहुत ही टेस्टी रहेगा, और 100 ग्राम्स का सॉल्टेड बटर है ये, और 6 स्पून का पाउडर्ड शुगर। अभी ये बहुत ध्यान से देखिए, ये जा रहे सारे जो है पाउडर फॉर्म, मैदा, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर को अच्छे से छान लीजिए या छन्नी कर दीजिए। 2-3 बार छन्नी करेंगे ना ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें क्या था, कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अभी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएंगे, ये है मक्खन, 80 ग्राम्स का लिया है मैंने, उसमें 6 स्पून शक्कर डाला है, वो पाउडर शुगर 6 स्पून डाल दीजिए और इसको ना अच्छे से मिक्स कीजिए। ये बहुत ही क्रीमी क्रीमी चाहिए हमें। ये केक का स्पेशलिटी यही है कि ये टोटली एगलेस, कर्डलेस एंड ओवनलेस है। चलिए देखेंगे अभी कैसे बनाते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, 6 स्पून ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, पहले बटर और शुगर को मिक्स कर लिया अच्छे से, और अभी कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ उसमें, डालकर अच्छे से इस तरह क्रीमी बनाना है। बहुत ही टेस्टी है। इस तरह बनाकर हम लोग, ये सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है, इस तरह बनाकर हम लोग इसको अलग से रखेंगे। अभी क्या करना है, जो हम लोगों ने दूध लिया है ना, उस दूध में 1 स्पून कॉफ़ी पाउडर डालिए। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही टेस्टी और चॉकलेट केक के लिए इन्हांस करेगा फ्लेवर। इसमें अच्छा सा 1 स्पून डाल दीजिए कॉफ़ी पाउडर, कौन सा भी इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर आपके पास है वो डाल दीजिए, और 1 स्पून वेनिला एसेंस डालकर उसको अच्छे से मिला लीजिए। इस तरह अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है। ये मिलाने के बाद ये मिक्सचर जाएगा अभी फोर्थ स्टेज पर। फोर्थ स्टेज पर क्या है, हम लोग एक बड़ा सा बॉल लेंगे, उसमें सारे मिक्सचर सभी मिक्स करेंगे। ये बॉल में फर्स्ट क्रीमी टेक्सचर, जो हम लोगों ने मक्खन, कंडेंस्ड मिल्क और शुगर से बनाया ना, वो मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ। डालकर इसमें थोड़ा थोड़ा कर हम लोग पाउडर्ड जो मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर जो मिक्सचर है, वो पाउडर इसमें थोड़ा थोड़ा डालिए। इसको ज़्यादा मत व्हिप करिए, थोड़ा थोड़ा को मिलाइए, और साथ ही साथ दूध का मिक्सचर भी इसमें डाल दीजिए। ये रहेगा फोर्थ स्टेज। ये फोर्थ स्टेज में ये व्हिपिंग बहुत ही स्मूथ रहना है। अगर ज़्यादा आप व्हिप करोगे केक स्पॉन्जी नहीं रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इस तरह देख रहे ना, बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। केक बैटर इज रेडी। इसको हम लोग अलग से कुकिंग विजल में डालेंगे, लेकिन पहले हमें चाहिए, अभी हम बनाएंगे चॉकलेट टफल आइसिंग। इसके लिए एक बॉल में पानी डाल दिया, उसके ऊपर और एक विजल लगा दिया। अभी क्या करेंगे, हम लोग क्रीम मिल्क लिया है ना, वो क्रीम मिल्क इसमें डालकर थोड़ा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम लोग जो ना डार्क चॉकलेट लिया है, आपकी मर्जी, लेकिन डार्क चॉकलेट बहुत ही टेस्टी रहता है, इसमें हम लोग डार्क चॉकलेट भी डाल देंगे। एक बड़ा सा डार्क चॉकलेट डाल दीजिए इसमें, डालकर खूब मिलाइए इसमें। इसमें थोड़ा जो हम लोगों ने बटर निकाल के रखे हैं ना, वो 20 ग्राम्स का बटर इसमें जाएगा, और
बहुत ही क्रीमी क्रीमी रहेगा। ये अपना जो आएगा टॉपिंग के लिए, केक टॉपिंग पे जाएगा ये, ठीक है। इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको ना एक स्पेशल केक बता रही हूँ, ये कैसा लगा आप लगे लाइक कर रहे हैं नहीं है, क्या कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ किसी और केक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगी MRP में बनाने के लिए। ये देखिएगा, वाओ, चॉकलेटी चॉकलेटी है ना। इसमें हम लोग टॉपिंग पे डालेंगे, अभी थोड़ा मक्खन जो अलग से निकाल के रखा वो मक्खन भी मैंने इसमें डाल दिया, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी क्या करना है, ओवन की ज़रूरत नहीं है, ओवन नहीं है, या फिर मैं एक केक बिना ओवन के बता रही हूँ, ठीक है। इसको एक बड़ा सा बॉल में 1 किलो तक नमक डाल दिया, जो कि 4 इंच तक ये विजिल में रहेगा, ठीक है। उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए, ये होगा प्री हीटिंग के लिए। और दूसरे विजिल में मक्खन अच्छे से लगा लीजिए, और जो हम लोगों ने बैटर बना के रखा केक का वो इसमें डाल लीजिए। देख रहे हैं ना कितना स्पॉन्जी स्पॉन्जी है ये बैटर। इसी तरह अपना केक, फिर इसको अच्छे से नीचे मारिए इस तरह, ताकि एयर बबल्स निकल जाए। अभी ये मिक्सचर को हम लोग केक ओवन में लगा देंगे। ढक्कन कम्प्लीटली मत लगाइए, थोड़ा गैप रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जाएगा 50 मिनट्स के लिए सिमर पे, देख रहे हैं ना। ये 50 मिनट्स के बाद जो केक अलग हो रहा है बाउल से, देख रहे हैं ना, यही टाइम है, आप बंद कर दीजिए, थोड़ा ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद अलग से प्लेट में निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसका टॉपिंग जा रहा है, चॉकलेट टफल टॉपिंग। ये बहुत ही बच्चों को तो ज़बरदस्त पसंद आएगा। आप एक बार बनाइए और मुझे कमेंट भी कीजिए। देख रहे ना, सारा मैंने चॉकलेट टफल अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड कीजिए, और आप मन पसंद डेकोरेशंस इस पर कीजिए। बर्थडे पे बनाने चाह रहे हो, या फिर इवनिंग्स स्नैक जैसा बनाना चाह रहे हो बच्चों को, और वेरी वेरी हेल्दी केक है ना, बहुत ही टेस्टी रहेगा। इसको हम लोग डेकोरेशंस भी बना सकते हो। अभी देख रहे हैं ना, इसमें नट्टी नट्टी चॉकलेट है, इसलिए ये नट्स आपको केक पे दिख रहे हैं। खूब करा एंजॉय किया ना। जब आप कट करोगे तो ये वेरी स्मूथी टेक्सचर रहेगा, एंड ऑल्सो वेरी टेस्टी। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब, बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जो नोटिफिकेशन मैं नए नए वीडियोस बनाती हूँ आपको नोटिफिकेशन में भी आएंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। MRP साइनिंग आउट।